ये है फक्कड़ बाबा। इनके नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड जिसे सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है। मथुरा के इन बाबा को तो मथुरा के लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही इन्हें चुनाव आयोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे, हम बताते हैं। ये बाबा एक दो बार नहीं बल्कि 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो अलग बात है कि एक बार भी जीत नहीं पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा है कि इतने बार भी हारने के बाद अब 17वीं बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में तो बहुत पैसा चाहिए। मेरे पास, मैं 60 साल से ब्रज में निवास कर रहा हूँ, 32,000 घरों में लामाल करी है, मेरे बहुत चेला है, बिना मांगे मुझको देते रहते हैं। अब मैं अपने खर्च करता रहता हूँ और चुनाव में भी मांग रहा है मैं 25,000 रुपए। अब आगे और लड़ेंगे तो चेला दे देंगे, गाड़ी वाड़ी आएगी और हम ज्यादा शादी की चुनाव लड़ते हैं। अब एक प्रश्न है मेरे सामने, मैं जनता से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, ब्रजवासियों से झूठ नहीं बोलूंगा, न झूठ बोल के चंदा लाऊंगा, न झूठ बोल के झंडा दिखाऊंगा। क्यों? मेरे गुरुजी ने कहा है कि बेटा 20वां चुनाव जीतेगा तू। अब मैं अगर अनूप की बात मान जाऊं और कहें कि बाबा इसी चुनाव में तुम जीत रहे हो तो असंभव है, क्यों गुरु राग। अब इन्हें ना जाने कहां से ये पता चल गया कि इनकी जीत 20वीं बार में निश्चित है। इनके गुरु की तरफ से इन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया गया है और ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि 20वीं बार में तो चुनाव जीत ही जाएंगे। मैं अपने गुरु की वचनों को पूरा करने के लिए, गुरु के वचनों का निर्वाह हो। भारतीय संस्कृति में गुरु हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, गुरु की आज्ञा का पालन करना और उसके बीच में जितने कष्ट सहने, जितने भी आफत पहाड़ और जो भी आवे, वो हमें उन्हें 20 चुनाव लड़ने हैं। 20 चुनाव क्यों लड़ने हैं, ये लक्ष्य? ये गुरुजी से मैंने पूछा था, आप लोगों ने पूछा था हमसे, बाबा कब जीतोगे, बार बार हारते चले जा रहे हो। तो हमने कहा कि हम गुरुजी से पूछ के बताएंगे। तो मैंने श्री निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर उनसे मैंने प्रश्न किया, वो भजन कर रहे थे, हम गए, हमने कहा महाराज आप हमें बताओ जीतेंगे कब, आपने ये तो कहा कि रामराज परिषद का पर्चा भरा करो, अब जीतेंगे कब? तो बोले बेटा तू 20वां चुनाव जीते। साल 1976 से लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले मथुरा के फक्कड़ बाबा एक बार फिर मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे। ये बाबा 8 बार लोकसभा चुनाव और 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद इस बार 17वीं बार मैदान में है। हमेशा की तरह बाबा ने नामांकन के लिए पहले ही दिन समर्थकों के साथ पर्चा भी भर दिया। और तो और, ये बाबा राजनीति के साथ साथ देश की जनता की जानकारी भी खूब रखते हैं, जनता की चिंता भी बहुत है। पूरे देश का माहौल इन राजनीतिक पार्टी वालों ने खराब कर रखा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों चट्टे पट्टे हैं दोनों, इन लोगों ने खराब कर रहा है। देश का माहौल बहुत बढ़िया है, हमारी प्यारी प्यारी जनता सब तरह से निर्वाह कर रही है, नोटबंदी भी झेल जाए और सबरे आफत जो आती है हमारे, अब जैसे हमारे ब्रजवासी है। चलिए किस्मत एक बार फिर आजमा रहे हैं। हालांकि दूसरी ही तरफ ये भी साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में इनका हाल क्या होगा, लेकिन भरोसा आज भी कायम है।